नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आपको बलिया खाद्यान्न घोटाले का मुख्य सूत्रधार पूर्व खंड विकास अधिकारी को एको वाराणसी ने किया गिरफ्तार। बलिया में वर्ष 2002 से खंड वर्ष 2005 तक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बलिया के विकास खंड हनुमानगंज के विभिन्न गाँवों में मिट्टी नाली निर्माण, खंडजा निर्माण, पटरी मरम्मत कार्य, संपर्क मार्ग निर्माण, सीसी रोड निर्माण, पुलिया निर्माण कार्य योजनाओं में मानक के अनुरूप कार्य न कराकर सरकारी 14,50,690 रुपए का खाद्यान्न तथा 15,80,660 रुपए नकद का भुगतान फर्जी अभिलेखों में दर्शाकर गबन किए जाने के संबंध में थाना सुखपुरा जनपद बलिया में भ्रष्टाचार अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकरण की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी को सौंपी गई। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी द्वारा प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं दोषी पाए गए अभियुक्तों की विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें मुख्य आरोपी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी हनुमानगंज बलिया अखिलेश कुमार पांडेय पुत्र कमलाकर पांडेय उम्र 61 वर्ष निवासी जनाड़ी थाना दुभर बलिया को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। बलिया से अंजनी राय की रिपोर्ट।